हेलो स्टूडेंट्स, कैसे रहे आपके 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स? आई होप कि आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस अपने एग्ज़ाम्स में दी होगी। अब समय है क्लास 11th को शुरू करने का, और क्लास 11th जो है वो 10th से बहुत डिफरेंट है। क्लास 10th में आपने बहुत सारे चैप्टर्स केमिस्ट्री से पढ़े होंगे। वो चैप्टर्स जो थे वो बहुत शॉर्ट में थे, बहुत ब्रीफ में थे। अब उन्हीं टॉपिक्स, उन्हीं चैप्टर्स को आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में तैयार करना होगा। क्लास 10th का जो सिलेबस था वो बहुत छोटा था, बहुत कम चैप्टर्स थे, बट एकदम से आप जैसे ही 11th में आते हैं तो यहाँ पर आपका सिलेबस 2 times 3 times हम कहें बढ़ जाता है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने अभी तक जैसे धीरे धीरे स्टडी करते हुए आप जैसे आगे आए हैं, अब वैसे ही आपको आगे बढ़ना है। तो क्लास 11th में सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कहती हूँ वो ये है कि आपको अपना सिलेबस, आपको अपने टॉपिक्स का पता होना चाहिए कि आप इस साल क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर आपको अपना सिलेबस नहीं पता होगा तो ये बात बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे हम किसी रेलवे स्टेशन में पहुँचे और किसी भी ट्रेन में हम बैठ जाए जिसका हमको डेस्टिनेशन ना मालूम हो, जिसका हमें ये ना मालूम हो कि ये कौन से शहर तक जाएगी। तो हम ऐसी गाड़ी में बैठना जब पसंद नहीं करते तो हम अपने क्लास में ऐसे अनभिज्ञ होकर बिल्कुल कैसे बैठ सकते हैं? हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या पढ़ाया जाएगा, क्या हमें सिखाया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सारे स्टूडेंट्स को अपना सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए कि इस साल हमको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे सबसे पहले आपका इंटरेस्ट जो है उस सब्जेक्ट में बढ़ेगा। तो हमारे इस साल 11th के कोर्स में तीनों तरह की केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगी। साथ में एक चैप्टर आपका बायो केमिस्ट्री से भी होगा। तो देर आर 4 branches ऑफ केमिस्ट्री इन क्लास 11, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायो केमिस्ट्री। तो यहाँ हम पहले अपने सारे चैप्टर्स जो भी जिस टॉपिक के हैं वो हम देखेंगे और उसी के हिसाब से हम ग्रेजुअली लर्न करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं हम हमारे इस साल के सिलेबस में किस तरीके से चैप्टर्स होंगे। तो केमिस्ट्री इस बार 4 basic topics में डिवाइडेड है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायो केमिस्ट्री। हमें अगर इन चारों का मतलब पता हो जाए तो पढ़ाई और भी आसान हो जाएगी और इजी हो जाएगी हमारे लिए। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री पे कोई भी फिजिकल जो आपके पास क्वांटिटी है, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, वे किया जा सकता है, जिसको आप किसी फिजिकल क्वांटिटी से, किसी फिजिकल आप जो कह सकते हैं आपके पास बहुत सारे डायमेंशंस हैं उससे अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री में इंक्लूडेड होगा। जैसे बहुत एक छोटी सी बात, आपके पास एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है तो आप इस अमोनिया के मॉलिक्यूल में क्या क्या सीखेंगे? आप सीखेंगे कि इस अमोनिया मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है। मॉलिक्यूल, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है। तो इसका मॉलिक्यूल, अगर आप मॉलिक्यूल का वेट स्टडी कर रहे हैं तो वो फिजिकल केमिस्ट्री होगा। अगर आप इस मॉलिक्यूल का वेट, ये कितना भार में है, वेट में है, अगर आप वो स्टडी कर रहे हैं तो वो भी फिजिकल केमिस्ट्री में होगा। अगर आप ये पढ़ रहे हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये लिक्विड होता है, गैस होता है, तो आप पढ़ रहे होंगे फिजिकल केमिस्ट्री। अब ये अमोनिया जो है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं, सपोज अगर आपने अमोनिया को प्रिपेयर किया, ये रिएक्शन अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए, इस रिएक्शन में अगर हीट
निकल रही है, यानी यहाँ पर एनर्जेटिक्स आ गई रिएक्शन में, तो जब केमिस्ट्री में हीट इन्वॉल्व हो जाती है तो चैप्टर हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हीट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी जब आप इसमें लर्न करोगे तो ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स भी फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाएगा। तो जब भी आप कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ केमिकल रिएक्शन को कंबाइन कर दोगे तो हर वो चीज फिजिकल केमिस्ट्री होगी। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। अब आते हैं अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखिए, सारे बच्चों ने 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल देखा होगा। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल अब मॉडिफाई होके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है ना। और उस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके बारे में स्टडी करना आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। उन एलिमेंट्स में आप क्या क्या स्टडी करोगे? अब सपोज करते हैं आपके पास एक एलिमेंट है नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन के बारे में आप पूरी स्टडी करेंगे, क्या कि नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कि ये जो नाइट्रोजन है ये गैस होता है कि लिक्विड होता है कि सॉलिड होता है, इसका कलर क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, इसकी अकरेंस कहाँ है। फिर आप पढ़ेंगे कि इसकी केमिकल नेचर, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि आपने एक एलिमेंट नाइट्रोजन जो है वो डिस्कवर किया, और अब इस एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर है। लाइक आप नाइट्रोजन का रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो आप देखेंगे कि ये क्या क्या ऑक्साइड बनाता है, है ना। नाइट्रोजन जो है जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये अमोनिया बनाता है। तो जब आप ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किसी एक एलिमेंट की स्टडी करते हैं तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। और आप देखिए पीरियोडिक टेबल में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स की स्टडी करना, एक एक पॉइंट पढ़ना, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। और एक बात, ये तो सिर्फ एलिमेंट की बात हुई। अब इस नाइट्रोजन को ही जब हमने उदाहरण लिया है तो नाइट्रोजन के जितने भी नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं, लाइक अमोनिया है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, लाइक HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। तो ये सारे कंपाउंड्स के भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स की स्टडी करनी पड़ेगी और उन एलिमेंट्स के सारे कंपाउंड्स की भी आपको स्टडी करनी होगी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी वास्ट। देन कम्स ऑर्गेनिक। देखिए पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स, उनमें एक एलिमेंट है कार्बन, और वो कार्बन जो है बहुत खास है। क्लास 10th में भी हमें थोड़ा सा हमारे टीचर्स ने सिखाया होगा कि कार्बन जो है वो एक बहुत ही अलग तरीके का एलिमेंट है। उसके कंपाउंड्स इतने सारे होते हैं कि उन कंपाउंड्स की स्टडी के लिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाना पड़ा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन एंड द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन को इतना महत्व क्यों, बाकी जो हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनको नहीं, कार्बन को इतना महत्व क्यों? तो आपको बता दें कि कार्बन के बने हुए कंपाउंड्स की संख्या हमारी दुनिया में 10 लाख से ज़्यादा है, और जितने भी इनऑर्गेनिक के एलिमेंट्स हैं और उनसे बने हुए कंपाउंड्स हैं उनकी संख्या लगभग 75,000 से 80,000 के आसपास है। और हमारे कार्बन अकेले के 10 लाख से भी ज़्यादा कंपाउंड है, और हर साल उसमें 50-60 हज़ार का इंक्रीज हो जाता है। तो अकेले कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हैं तो उसकी स्टडी अलग से तो बनती है, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाना पड़ा। अब आगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको और डिस्क्रिप्शन में ले जाके तैयार करेंगे। देन कम्स बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि आपका वर्ड जो है वो अपने आप को बता रहा है कि बायो मींस लाइफ और केमिस्ट्री। तो जब किसी लाइफ के साथ केमिस्ट्री जुड़ी होती है, जब किसी लाइफ के अंदर केमिकल रिएक्शंस जो चलते हैं उनकी स्टडी आप करते हैं तो दैट इज बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में आपके लिए सिर्फ एक चैप्टर है और उसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर हो गया आपका। तो
तो ये तो हुआ हमारा बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर. अब हम आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में. तो इस साल आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सबसे पहले आपका चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स एंड केमिकल अरिथमेटिक. अब ऐसा हो सकता है कि आपके चैप्टर्स, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक्स है उसमें थोड़ा सा नाम इधर उधर होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि हम एमपी बोर्ड के हैं या हम सीबीएसई बोर्ड के हैं या हम आईसीएसई बोर्ड के हैं या हम किसी और बोर्ड के हैं, तो उसमें हम कैसे तैयार करेंगे, क्या सेम क्लास में उसकी तैयारी होती है? तो बहुत साधारण सी बात है. देखिए, केमिस्ट्री में चैप्टर्स उतने ही हैं, केमिस्ट्री में टॉपिक्स उतने ही हैं. हर बच्चे को आईआईटी के लिए और नीट के लिए एक सिलेबस दिया गया है ना, तो हमें उस सिलेबस को कंप्लीट करना होता है. चाहे वो टॉपिक जो है किसी भी चैप्टर में किसी भी नाम से हो, हमें वो रिस्पेक्टिव टॉपिक्स पूरे अपने करने हैं जिससे हम किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी बोर्ड के लिए तैयार हो सकें. अब ये आपके क्वेश्चन पेपर पर डिपेंड करेगा कि बोर्ड आपका कैसा एग्जाम लेता है, कैसा पेपर उसका सेट होता है. तो पेपर कम ज़्यादा, बड़ा छोटा या डिफ़िकल्ट या आप कह सकते हैं ईजी हो सकता है, लेकिन सेलेबस हमेशा वही रहेगा. तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए आपका कौन सा बोर्ड है, आपका कौन सा स्कूल है. तो चलिए यहाँ देखें, फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर था सम बेसिक कंसेप्ट एंड केमिकल अरिथमेटिक. सेकेंड, स्टेट्स ऑफ मैटर. तो स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको थोड़ा सा सॉलिड स्टेट और आपको गैशियस स्टेट के बारे में बताएंगे. थर्ड चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर. फोर्थ, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स. फिफ्थ चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स. सिक्स्थ चैप्टर, रेडॉक्स रिएक्शंस. सेवेंथ चैप्टर, इक्विलिब्रियम. तो ये दीज आर द चैप्टर्स फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री. आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहाँ से इसे हटा देती हूँ. देन कम्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने जैसे कहा कि पीरियोडिक टेबल की स्टडी, पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको जानकारी, पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये आप जब पढ़ेंगे तो दैट कम्स अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसमें पहला चैप्टर हाइड्रोजन, दूसरा केमिकल पीरियोडिसिटी, and properties of elements. S block elements, tisra chapter. Chautha chapter, P block elements. Fifth chapter aapke liye ek additional rahega, wo hai metallurgy. मेटलर्जी क्या होता है? तो हमें सिखाया गया था कि मेटलर्जी इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर कंफर्टेबली एंड प्रॉफिटेबली. इट इज़ द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी मेटल फ्रॉम इट्स ओर कंफर्टेबली एंड प्रॉफिटेबली. यानी जब आप किसी ओर में से किसी मेटल को निकालते हैं और उसका तरीका सस्ता और सरल होता है, तो आप उस प्रोसेस को, उस तरीके को मेटलर्जी कहते हैं. तो यहाँ ये हमारे चैप्टर्स हो गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के. देन कम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर जो है स्टार्ट इसी नाम से है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सम बेसिक कंसेप्ट एंड टेक्निक्स. सम बेसिक कंसेप्ट एंड टेक्निक्स. दूसरा, हाइड्रोकार्बन्स.
तो दीज आर द टू चैप्टर्स फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री तो हम देख ही चुके. इसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नाम का चैप्टर होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस. इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ध्यान रखिए हमेशा, और जब भी चैप्टर स्टार्ट हो तो आपको पता रहेगा कि ये कहाँ से है, फिजिकल केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक से या फिर बायोकेमिस्ट्री से. Students, now let's start a new chapter from physical chemistry, that is some basic concepts and chemical arithmetic. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब सपोज करिए कि आपसे कोई आपकी हाइट पूछता है और आप उसको अपनी हाइट बताते हैं कि मेरी हाइट जो है 5.7 है. अब इस 5.7 में देर आर टू डिजिट्स एंड दीज टू डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ये दोनों ही सिग्निफिकेंट है, 5 भी और 7 भी, 5.7. तो यहाँ 5 और 7 ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए. तो किसी भी मेजरमेंट में, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में जितने भी डिजिट्स ऐसे होते हैं जिनकी इम्पोर्टेंस होती है, सिग्निफिकेंस होता है, महत्व होता है, ऑल दोज फिगर्स इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. बट द लास्ट नंबर ऑफ एनी मेजरमेंट इज डाउटफुल. लाइक आपने अगर अपनी हाइट 5.7 बताई तो लास्ट डिजिट इज 7. तो ये जो 7 है ये हो सकता है 5.8 रहा हो, आपने मेजर करने में थोड़ी गड़बड़ की हो, या ये ऐसा भी हो सकता है कि ये 5.6 रहा हो और आपने इसे 5.7 नापा हो. तो ये जो लास्ट फिगर है किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का, किसी मेजरमेंट का जो लास्ट वैल्यू होता है वो हमेशा डाउटफुल होता है, पर वो होता सिग्निफिकेंट है. तो ऑल द डिजिट्स इन अ मेजरमेंट विच हैव सिग्निफिकेंस आर एक्चुअली सिग्निफिकेंट नंबर्स. तो यहां मैंने आपके लिए नोट किया हुआ है ताकि आप इसे जल्दी से नोट कर पाए, लिखने में समय हमारा खराब ना हो. यहाँ देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन तो अपन की हो गई कि दोज फिगर्स इन अ न्यूमेरिकल वैल्यू और मेजरमेंट विच हैव सिग्निफिकेंस एंड द लास्ट डिजिट ऑफ दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑलवेज डाउटफुल आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब किसी वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं वो आपको काउंट करने पड़ेंगे, और इस काउंटिंग के बाद जो है आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सवाल सॉल्व कर पाओगे. अगर आपका कैलकुलेशन गलत होगा तो आपका सवाल टोटली रॉन्ग हो जाएगा. तो यहाँ अपन देखिए रूल्स में स्टार्ट करते हैं. तो रूल्स टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी. तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. मतलब किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में जितने भी डिजिट्स ऐसे हैं जो कि नॉन जीरो हैं वो सारे हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं. लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, 5.43. 5.43 में आप देखिए सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं. तो इस वैल्यू में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. तो यहाँ पर ये हो गया एक पहला. फिर आपने लिखा 24.3, तो 24.3 में भी सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 3. इसके बाद एक और वैल्यू लेते हैं अपन, 52.325. इस वैल्यू में आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो ये पहला वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर. हमारा दूसरा पॉइंट कहता है, ऑल जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट इफ इट अपीयर्स बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स. अगर हमारा कोई भी जीरो किसी नॉन जीरो वैल्यू के बीच में है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो इट विल बी ऑलवेज सिग्निफिकेंट. एक एग्जांपल देखते हैं, आपके पास लिखा है 2.03. अब दिस जीरो लाइज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, 2 and 3. तो यहां पर ये जो जीरो है दैट बिकम्स सिग्निफिकेंट. तो इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3. ठीक. अगर आपके पास एक वैल्यू है 40.05, तो इस वैल्यू में आपके दो जीरो हैं और वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो वो दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे. यानी इस वैल्यू में 4
सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, 2, 3, 4, है ना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो जब भी कभी जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएगा, इट ऑलवेज बिकम्स सिग्निफिकेंट. तीसरा पॉइंट है, लीडिंग जीरोस और जीरोस प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट. अगर आपके किसी वैल्यू में जो जीरो है ना, वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, और आप कह सकते हैं कि आपका जो जीरो है वो लीडिंग जीरो है, मतलब वैल्यू स्टार्ट ही उससे हो रही है, जैसे 0.023, ये एक वैल्यू हो गई, ये स्टार्ट हो रही है जीरो से, देखिए 0.023. तो इसमें जो आपके लीडिंग जीरोस है, जो स्टार्ट हो रहे हैं आपके जीरो, जहां से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. तो जीरो आपको छोड़कर फिर वैल्यू काउंट करनी होगी. तो देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस वैल्यू में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है. अगर आपका कोई वैल्यू ऐसे लिखी हुई है 0.00543, तो यहां पर तो आपकी वैल्यू स्टार्ट जीरो से हो रही है, ट्रेलिंग जीरो लीडिंग जीरो आपके 3 है, तो यहां पर लीडिंग जीरो आपको नेग्लेक्ट करके काउंट करना होगा. तो 1, 2, 3 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 3. क्लियर? तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया. अब आते हैं ट्रेलिंग जीरोस और जीरोस प्लेस्ड टू द राइट ऑफ अ डेसिमल आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. अगर आप किसी वैल्यू में जो जीरो है वो डेसिमल के बाद लिखते हैं, लाइक आपके लिए वैल्यू लिखते हैं 54.00, तो ये जो 54. आपने 00 लिखा, इस वैल्यू में ये जीरो क्योंकि ट्रेलिंग है, वैल्यू के पीछे लगे हुए हैं, तो ट्रेलिंग जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पर हो गए सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2, 3, 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए. सपोज आपकी वैल्यू लिखी है 54.32500, तो आपके इस पूरी वैल्यू में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. ठीक है, तो यहां पर आपका जो अगला पॉइंट था, ट्रेलिंग जीरोस और जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट पे, इफ अ नंबर एंड्स इन अ जीरोस बट दी जीरोस आर नॉट टू द राइट ऑफ अ डेसिमल, दी जीरोस मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज आपके पास एक वैल्यू लिखी हुई है और आपकी वैल्यू है 1, 2, 6, 0, 0. ठीक है, ये वैल्यू लिखी हुई है. आप इस वैल्यू को चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1.26 × 10⁴. ऐसा लिख सकते हैं. अब आपने इस वैल्यू को इस टर्म में लिखा, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है, सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल को नहीं लेना है, आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको दिख रहे हैं वो होंगे आपके टोटल सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 1, 2, 3. तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 3. लेकिन अगर आप इसको ऐसा लिख देते हैं 1.260 × 10⁴, अब ये कंफ्यूजिंग हो गया. देखिए यहां पर अब आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 1, 2, 3, 4. तो यहां तो जिस तरीके से आपको सवाल दिया जाएगा उस हिसाब से आप वहां पर अपना आंसर निकालेंगे. अब आते हैं हम यहाँ पर सिक्स्थ नंबर के पॉइंट पे. तो सिक्स्थ नंबर के पॉइंट में लिखा हुआ है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म द नंबर पोजीशन रिप्रेजेंट्स द सिग्निफिकेंट फिगर. तो यहाँ पर कभी कोई वैल्यू अगर एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लिखी होती है, जैसे सारे बच्चों को पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स. यही बोलते हैं ना, 3 × 10⁸ मीटर
per second. This is the velocity of light and this is given in the terms of exponential form. तो यहाँ पर exponential में जो 10 to the power 8 है, ये आप नहीं देखेंगे. जो numerical value सामने लिखी है, जैसे कि 3, तो ये हमारे significant figure बताएगी. तो इसमें significant figure सिर्फ 1 है. 3 जो है, ये एक significant figure हुआ. तो इस total value में एक significant figure ही है. जैसे हम लोग एक मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं, हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था. तो मोल कंसेप्ट में एक एवोगैड्रोस नंबर है ना, सारे बच्चों को याद होगा. तो एवोगैड्रोस नंबर कैसे लिखते हैं, 6.023 into 10 to the power 23, यही लिखते हैं. अब इस वैल्यू में आप देखो, ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है और सामने एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. इस न्यूमेरिकल वैल्यू में जितने फिगर्स हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये हो गए इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो ये हमारा पॉइंट नंबर 6 क्लियर हो गया. अब हम आते हैं 7th नंबर के पॉइंट पे. और 7th नंबर का पॉइंट क्या कहता है, द नॉन सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट इज राउंडेड ऑफ. किसी भी मेजरमेंट का जो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, जिसका महत्व नहीं है, उसे आप राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, उसे आप हटा सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, या राउंडेड भी कर सकते हैं उसे, अगर आप ठीक करके उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं तो ऐसा आपको करना होगा. लेकिन इसके कुछ नियम है. तो सबसे पहले ए नंबर का पॉइंट हम देखें. If the figure, the last number to be retained is less than 5, then all the unwanted figures are discarded and last number is left unchanged. अगर आपके पास कोई value है, जैसे एक उदाहरण लेना पड़ेगा हमें, हमारे पास एक value है 5.6724. अब आप देखिए इस value में जो लास्ट के डिजिट्स हैं, 4 है, 2 है, क्योंकि ये जो डिजिट्स हैं ये 5 से छोटे हैं, है ना. तो हम चाहें तो इन डिजिट्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं और राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं इस वैल्यू की, एंड दिस बिकम्स 5.67. तो पहला पॉइंट हमें यही बोल रहा है कि अगर हमारे जो लास्ट नंबर्स हैं दे आर लेस देन 5, तो हम उन अनवांटेड फिगर्स को अपनी वैल्यू में से, मेजरमेंट से हटा सकते हैं. तो ये पहला ए पॉइंट हो गया. अब आते हैं बी नंबर के पॉइंट में. इफ द figure following the last number to be retained is greater than 5, last figure to be retained is increased by 1 unit and the unwanted numbers are discarded. जैसे एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, 8.6774 ये value है. तो यहाँ पर 4 तो वैसे भी 5 से छोटा है, लेकिन 4 के पहले एक वैल्यू लिखी है, वो है 7. तो 7 क्योंकि 5 से बड़ा है, क्योंकि 7 जो है वो 5 से लार्जर वैल्यू है, तो आप 7 को हटाकर इससे पहले लिखी हुई वैल्यू में एक डिजिट बढ़ा सकते हैं. लाइक आप 4 तो नेगलेक्ट करने वाले हैं, 7 क्योंकि 5 से बड़ा है, तो 7 से लिखी पहली वैल्यू में आप 1 यूनिट का इंक्रीज करके उस पीछे वाले 7 को भी हटा सकते हैं. इससे आपकी वैल्यू जो है, देखिए, हो जाएगी 8.68. तो यहाँ पर ये बी पॉइंट हमें ऐसा करने के लिए कहता है. फिर सी पॉइंट यहाँ पर हम पहुँचते हैं. इफ़ द फिगर फॉलोइंग द लास्ट नंबर टू बी रिटेन्ड इज 5, द लास्ट फिगर इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट ओनली इफ इट हैपेंस टू बी ऑड. इन केस ऑफ इवन नंबर द लास्ट फिगर रिमेन्स अनचेंज्ड. ये थोड़ा सा पॉइंट अपन को समझना होगा. एक एग्जाम्पल लेते हैं, 7.652, और एक वैल्यू और ले लेते हैं, 7.35. देखिए, ये जो पहली वैल्यू है
इसमें टू तो वैसे भी नॉन सिग्निफिकेंट है, इट इज लेस देन फाइव, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, पर इसके पहले जो वैल्यू प्रेजेंट है दैट इज फाइव. तो अगर आपका जो वैल्यू है लास्ट वैल्यू वो फाइव है, तो आप उसके पहली वैल्यू में एक यूनिट बढ़ा सकते हैं यदि वो ऑड नंबर में है. तो यहाँ आप देखिए टू को नेग्लेक्ट करने वाले हैं फाइव, क्योंकि फाइव से बड़ी वैल्यू या फाइव से छोटी वैल्यू जब होती है, फाइव या फाइव से बड़ी वैल्यू जब होती है, तो उसके पहले वाले डिजिट में हम एक यूनिट बढ़ाते हैं. लेकिन एक नियम और है, अगर फाइव के पहले जो डिजिट है वो इवन नंबर में है तो आप वहाँ पर उसे चेंज नहीं कर सकते, आप उसकी राउंडिंग ऑफ में एक डिजिट नहीं बढ़ा सकते. तो यहाँ पर ये वैल्यू रह जाएगी सिर्फ 7.65. लेकिन जो दूसरी वैल्यू है आप इसमें देखिए, टू आपको नेग्लेक्ट करना है, फाइव यहाँ पर है, तो फाइव के पहले जो वैल्यू प्रेजेंट है अगर वो ऑड नंबर है तो आप फाइव को हटाने पर उस वैल्यू में वन यूनिट का इंक्रीज कर सकते हो, यानी दिस वैल्यू बिकम्स 7.4. तो यहाँ ये राउंडिंग ऑफ में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और जितने मैंने रूल्स बताए हैं वो सारे अगर आप बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लें तो आपको ये अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद करेगा. तो यहाँ इसके बाद हम लेंगे कैलकुलेशंस इन केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी हमारे कैलकुलेशन में. सबसे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक पहला सवाल, सपोज आपके पास एक न्यूमेरिकल है, ये ठीक है, इसमें आपको सम करना है, तो आप यहां पर सम करते हैं सिंपली 1 + 3 = 4, 1 + 2 = 4, 1 + 3 = 4.3, यानी इसका आंसर आ गया 3.444. लेकिन आप यहां ध्यान दीजिएगा, जो आपकी सबसे लोएस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू है, यानी आप देखें इसमें डेसिमल के बाद 2 places हैं, इसमें डेसिमल के बाद 3 places हैं, इसमें भी डेसिमल के बाद 3 places हैं, तो जिस वैल्यू में डेसिमल के बाद जितनी कम वैल्यूज होंगी आपको उसको ध्यान देना है. तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 decimal places. अब जब आप इसका आंसर करेंगे तो आप आंसर में यहाँ ध्यान देंगे कि इसके आंसर में सिर्फ 2 digits, 2 significant figures होने चाहिए, यानी 3.444 आपके पास है, तो यहाँ पर लास्ट वाला 4 जो है आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा. इसके पहली वाली वैल्यू जो है वो 4 जो है 5 से छोटी है, तो आप इसे भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको 3.4 यानी 2 significant figures वाली वैल्यू रोकनी है, और बाकी सारे फिगर्स को आपको वहाँ से हटा देना है, अनवांटेड फिगर्स को आप इरेज कर देंगे. यहाँ फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसमें सबसे जो कम डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू होती है उसमें जितने डेसिमल के प्लेसेस होते हैं, यानी कि इसमें देखिए डेसिमल के बाद सिर्फ 2 places हैं, बाकी सब में 3-3 है, तो आपके आंसर में उतने ही डिजिट्स का आंसर सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा. तो यहाँ आपका आंसर होगा 3.4, ठीक है. और ठीक ऐसा ही आपको जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसे करना पड़ेगा. सपोज आपके पास एक वैल्यू है 4.24 और दूसरी वैल्यू है 0.0345. अब यहाँ माइनस करना है हमें, तो यहाँ हमने प्लेस कर दिए 2 0, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 3 0, यहाँ 2 और यहाँ 4. आप देखिए कि ये वैल्यू मैंने स्टार्ट की थी 4.24 से, तो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस इसमें थी 2 decimal places. तो आपके आंसर में भी सिर्फ
दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, तो आपके आंसर में जो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आपका आंसर देंगे 4.2. तो ये आपका आंसर होगा. ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा. अब हम यहाँ पर चलते हैं दूसरे कैलकुलेशन पर, वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तब कैसा रहेगा, देखिए हमारे पास एक सवाल है आपके लिए. सवाल है 152.03 मल्टीप्लाइड बाय 0.36 या 0.36, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है. तो आप सबसे पहले तो देख लीजिए ये जो आपकी छोटी वाली वैल्यू है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो आपकी जो छोटी वैल्यू है इसमें टोटल दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहाँ लिख देते हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका कितना सॉल्यूशन आ रहा है इसका, 54.7308, यही आ रहा है ना. इस सवाल का जवाब 54.7308 आ रहा है. अब आप यहाँ देखें कि हमें जो आंसर देना है उसमें सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए. तो यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आप कैसे ला सकते हैं, देखिए आपको डेसिमल के पहले वाली वैल्यूज़ में तो कोई चेंज नहीं करना होगा क्योंकि वो तो आंसर है, डेसिमल के बाद ही कुछ किया जा सकता है. तो आप देखिए 8 आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, 0 आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, 3 क्योंकि 5 से छोटा है तो इसके पहले वाली वैल्यू में आप कुछ नहीं कर सकते, और यहाँ 7 हो गया आखिरी, तो फिर यहाँ 7 जो है अगर आप हटाना चाहते हैं क्योंकि आपको दो ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो आप 7 को जब हटाएंगे तो उसके पहली वाली वैल्यू में आप एक डिजिट बढ़ा देंगे, एक यूनिट बढ़ा देंगे. क्यों? क्योंकि आपको नियम बताया गया है कि अगर लास्ट वाला जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है तो उसकी जो जब आप राउंडिंग ऑफ करते हैं तो उससे पहले वाले फिगर में 1 यूनिट का इंक्रीज करना चाहिए. तो आपका 8 चला गया, 0 चला गया, 3 चला गया, 7 जाएगा, बट उसके पहली वाली वैल्यू में, उसके पहले वाले डिजिट में 1 यूनिट का इंक्रीज करेगा. तो आंसर कितना आ गया, 55. तो इस सवाल का जवाब हो गया 55. अब हम आपको एक डिवीजन का सवाल दे रहे हैं. डिवीजन आपके लिए है 0.90/4.26. ये आपके पास सवाल है, इसको सॉल्व करिए और देखिए इसका आंसर कितना आता है. तो मेरा ख्याल है आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, इसका आंसर लगभग 0.211/2676 आना चाहिए. यहाँ पर भी वही चीज़ लागू होगी, आपकी जो भी छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू है आप उसमें देखें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो 0.90 में है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो आपके आंसर में भी दो सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए. तो आपको लास्ट में देखिए 6 नहीं रखना है, 7 नहीं रखना है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 1 है. अब क्योंकि 1 जो है वो 5 से छोटा है तो आप इसे हटाते वक्त इसके पहली वाली वैल्यू जो 1 है उसमें इंक्रीज नहीं कर पाएंगे. तो आपको सिर्फ दो डिजिट, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर रखना है, तो आंसर विल बिकम ओनली 0.21. तो ये आपका इस तरीके से कैलकुलेशंस में रहेगा. तो आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आपके स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स, आज हमने जो भी तैयार किया, जो टॉपिक्स हमने पढ़े, हमने पूरे सिलेबस के बारे में बात की, हमने फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड केमिकल अरिथमेटिक शुरू किया और उसमें हमने टॉपिक पूरा कंप्लीट किया सिग्निफिकेंट फिगर्स. इस टॉपिक को और आगे आने वाले सभी टॉपिक्स को आप मेरे साथ पढ़िए, समझिए, रिवाइज कीजिए, इसके ऊपर ढेर सारे सवाल कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए.